हेलो, एक और बैड न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में इस दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। और वो बैड न्यूज़ ये है कि पीटीए ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ ने, तमाम आईफोन्स के ऊपर नए टैक्सेस लागू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है, जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं एप्पल की तरफ से जो आ रहा है, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो के ऊपर आपका जो पासपोर्ट के ऊपर जो पीटीए की तरफ से टैक्स आ रहा है वो है 1,58,630 रुपये, और 14 प्रो के ऊपर जो है टैक्स आ रहा है 1,58,630। ठीक है, और यही आपके CNIC के ऊपर जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो है 1,87,143 रुपये। ये वो तमाम टैक्सेस हैं जो आपको एक लेटेस्ट फोन के ऊपर देने पड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर व्हाट द हेल इज दिस गवर्नमेंट इज डूइंग। 2 लाख का फोन लेके आप उसके ऊपर 2 लाख रुपए का टैक्स पे करें, दिस इज रियली अनफेयर विद जो आईफोन बेचने वाले लोग हैं, जो यूज करने वाले लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर यू कैन नॉट यूज एनी लग्जरी आइटम? वाई Why this Pakistan is so backward from the world? दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है और ये लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पीटीए टैक्स, एक आईफोन, एक नॉर्मल जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो भी नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा टैक्सेज इन लोगों ने इसके ऊपर कर दिए हैं। इट्स रियली डिस्गस्टिंग एंड अनपेएबल दीज आर टैक्सेस। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फोन, मेक श्योर टू यूज़ इट विदाउट नो पीटीए डिवाइसेस, यूज़ अदर फोन्स। And make sure to subscribe for more such videos, and hoping, praying that Pakistan is going to succeed in Allah karegin wuz zalim hukumranon se Pakistan ki jaan chhoote. Make sure to subscribe for more such videos. Thank you.